आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हो, उनकी खुशी के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माय लव ये 2021 की एक चाइनीज रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर झाओ को देखते हैं, जो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। आज उसे अपने हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड का लेटर मिलता है, उसका नाम था यंग। अब उसे अपने हाई स्कूल के डेज याद आते हैं। जब वो हाई स्कूल में था तो बहुत ही नालायक स्टूडेंट हुआ करता था, हमेशा उसके टीचर उसे बहुत डांटते थे। अपने क्लासमेट्स के साथ भी उसकी बनती नहीं थी, हमेशा वो बहुत झगड़े करता रहता था। एक दिन जब उसका इसी तरीके से झगड़ा चल रहा था, तभी अचानक से उसके सामने यंग आई। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। वो बेचारा मार खाते खाते भी हंस रहा था। उसे पनिशमेंट देने के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है, तभी वहां पर यंग आई। यंग का अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ की वो न्यू स्टूडेंट थी। झाओ उससे बात करना चाहता था, उसके पास आया और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। यंग ने झाओ की फटी हुई पैंट दिखाकर कहा कि तुम पहले अपने खुद की हेल्प करो, फिर मेरी हेल्प करना। वो बेचारा उस पर कोई भी इंप्रेशन जमा नहीं पाया था। यंग इतनी सुंदर थी कि स्कूल के सब लड़कों को बहुत पसंद आती थी। स्कूल के स्विमिंग टीम का कैप्टन भी यंग को पसंद करने लगता है। जब झाओ यंग के साथ था, तभी यंग को उस कैप्टन ने अप्रोच किया। अपनी स्विमिंग की ट्रॉफी दिखाकर उसे डिनर के लिए पूछता है, पर यंग उसे मना कर देती है। यंग ने झाओ से कहा कि यहाँ से बाहर चलते हैं। झाओ तो बहुत ही खुश हो गया था। यंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आई। झाओ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उसे कहता है, तुम्हारे पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स थी। यंग उसे थोड़ा भी सीरियसली लेती नहीं और भाव भी नहीं देती। अगले दिन फिर से कैप्टन ने यंग को छेड़ने की कोशिश की, तो झाओ में और उसमें फाइट हो गई थी। फाइट के बाद रेस्टोरेंट में आकर झाओ यंग से कहता है, तुमने अगर सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। यंग कहती है कि तुम बहुत फाइट करते हो, मुझे फाइट करने वाले लड़के पसंद नहीं है। झाओ ने कहा कि अगर मैंने फाइटिंग छोड़ दी तो फिर क्या। ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी कैप्टन फिर से यहाँ पर वापस आ गया। वो उन्हें फिर से तकलीफ देता। इससे पहले यंग ने उसे कहा कि झाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात पर कैप्टन बिलीव नहीं करता। अगले दिन जब ये दोनों स्कूल में आए तो झाओ के ऊपर उसने मिल फेंका। अब यंग के लिए झाओ उसे फाइट नहीं कर सकता। उसके पास गया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कूल हो। कैप्टन ने कहा कि ऑफकोर्स मैं कूल हूँ। झाओ उसे कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि तुम कूल हो, मुझे तुमसे कुछ भी फाइट ही नहीं करनी है। अगर हम हर चीज के लिए जानवरों की तरह फाइट करते रहे तो इसमें कुछ भी मजा नहीं आएगा। कैप्टन पूछता है, तो अब हम फिर क्या करेंगे। झाओ कहता है, हम स्विमिंग की कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं। कैप्टन ने उसे डील दी, कहा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो यंग को एक पोस्टकार्ड अपने पीठ पर रखना पड़ेगा, इसमें लिखा होगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। झाओ कुछ बोल पाता इससे पहले यंग इसे एक्सेप्ट कर लेती है। यंग ने झाओ से कहा कि अब जाओ और स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करो। यंग के लिए झाओ कुछ भी कर सकता था, तो दिन रात उसने प्रैक्टिस की। इन दिनों में वो यंग का अच्छा फ्रेंड भी बन गया था। एक दिन जब ये दोनों रेस्टोरेंट पर आए तो वो बंद था, वही बैठकर बातें करते हैं। यंग ने झाओ से पूछा, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस क्यों नहीं हो, क्या तुम हमेशा स्विमिंग ही करना चाहते हो। झाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। झाओ के पास सचमुच में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं थे। यंग कहती कि मेरा गोल है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है और इसके लिए वो बहुत ही हार्ड मेहनत करती है। बातें करते करते इनके टीचर ने इन्हें देख लिया। स्कूल बंक कर ये आए हुए थे तो वैसे ही भागने लग गए। अचानक से बारिश शुरू हो गई। झाओ यंग को हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आता है। कपड़े सुखाते हुए यंग ने झाओ का रूम देखा, उसमें उसे एक पॉन की सीढ़ी मिलती है। झाओ कहता है कि मेरे फ्रेंड की है, मेरी नहीं है। यंग ने पूछा कि तुम सब लोग ये कब से देखते हो। झाओ ने कहा कि रात में 11 बजे के बाद हम देखने लग जाते हैं। यंग एक्चुअल में उसका एज पूछ रही थी, तो इस बात पर वो बहुत हंसती है। इस पर उसका बहुत मजाक लेती है। बेचारे झाओ को बहुत एम्बैरेसिंग लगा था। अब अगले दिन इनका स्विमिंग का कॉम्पिटिशन था, इसमें झाओ ने बहुत फाइट दी, फिर भी कैप्टन ही जीता था। अब यंग को उसके बैग पर कि वो कैप्टन की गर्लफ्रेंड ऐसा लिखना पड़ेगा, उसने ऑलरेडी लिख कर रखा था, पर झाओ के साथ हंसी खुशी यहाँ से वो चली जाती है। झाओ ही उसका फ्रेंड है और कोई भी चीज़ इसे डिनाई नहीं कर सकती। इसके बाद ये दोनों बीच पर आए। यंग झाओ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर बनाती है। इन दोनों का ये डे बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये विश करते हैं कि इनकी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहे। अचानक से यंग ने हाईवे पर अपने फादर की कार देखी और इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आई। झाओ उसके लिए परेशान हो गया और रात में उसके घर आ जाता है। घर पर उसने देखा कि यंग के फादर ने सब कुछ तहस नहस किया था। यंग और उसकी मदर रो रही थी। यंग के फादर ड्रंक थे और उन्हीं से बचने के लिए इस टाउन में वो आए हुए थे।
साओ ने यह सब देख लिया तो यंग उसे जाने के लिए कहती है। रात में यंग ने साओ को कॉल लगाया, वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। वो साओ से मिली, साओ उसकी लाइफ में आया इसके लिए थैंकफुल थी। इसके बाद फिर से वो ट्रांसफर होकर इस टाउन से चले गए थे। इस फोन कॉल के बाद भी बारिश में साओ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था पर उसे वो ढूंढ नहीं पाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल बीत गए हैं। साओ एक कंप्यूटर सेंटर में एडमिन का काम करता है। उसे वैसे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो कॉलेज के लिए उसने अप्लाई भी नहीं किया। एक दिन उसका कॉलेज का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया। उसके पास आईफोन का न्यू मॉडल था तो उसे वो दिखाता है। इसमें साओ अलग अलग पिक्चर्स देख रहा था उसकी यूनिवर्सिटी के, उसमें उसे यंग दिखी। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ। अब वो डिसाइड करता है यंग जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में वो भी जाएगा। घर आकर अपनी वीडियो गेम्स की सारी सीरीज को उसने फेंक दिया। अब वो सीरियसली स्टडी कर रहा था। उसने दिन रात मेहनत की, उसका फ्रेंड भी उसे हेल्प करता है। इतनी मेहनत करने के बाद उसे एडमिशन मिल ही जाता है। उसे वो यूनिवर्सिटी में हर जगह पर ढूंढ रहा था, फाइनली उसके वो सामने आ गए। वो इमेजिन करता है कि यंग उसे देखते ही गले लगा लेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो फर्स्ट टाइम में उसे पहचान भी नहीं पाता। जाओ जब उसे आकर मिला तो उसे अच्छा लगा था। अब कॉलेज में भी यंग फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी। यंग उसे पूछती कि तुम यूनिवर्सिटी में कैसे आ गए। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो यंग के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए इस वजह से उसने गर्ल्स की टीम में साइन अप कर लिया था। यंग को उसके लिए बुरा लगता है और वो कहती है मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। बेचारे जाओ को बहुत बुरा लगा। अपने फ्रेंड से उसने यंग के बॉयफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था चैंग और चैंग एक फुटबॉल की टीम में था। जाओ ने लड़कियों की टीम में साइन अप किया है तो उसे भी चैंग के लिए चीयर अप करना पड़ता है। जाओ की हालत देखकर उसके फ्रेंड उसे बहुत चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग और जाओ जब रस्ते से जा रहे थे तो एक लड़की अपना बैग पकड़ कर भाग रही थी। उसके पीछे और एक लड़का था जिससे उस लड़की को बचा लेते हैं। अगले दिन जाओ के फ्रेंड ने उसके लिए पॉर्न की डीवीडीज लाई थी। उसे कहते हैं आते वक्त हमें यंग भी मिली थी, उसे हमने इस पार्सल पर साइन भी ले लिया है। सब मिलकर इस पर हंसने लग गए तभी डोर पर पुलिस आ गए थे। जाओ और उसके फ्रेंड को लगता है कि इल्लीगल डीवीडी उन्होंने बाय की थी इसी वजह से पुलिस उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं। पुलिस जाओ को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके साथ यंग को भी उठा लेते हैं। जाओ ने सारी सिचुएशन यंग को बताई। उसे लगा इन डीवीडीज की वजह से वो अरेस्ट हुआ है पर इसके पीछे रीजन कुछ अलग था। एक्चुअल में जिस लड़की को उन्होंने बचाया था वो चोर थी। जिस आदमी को इन्होंने मारा था ये उसका ही बैग था इसी वजह से इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस सिचुएशन पर वो जेल में भी बहुत हंसे। जाओ यहाँ पर यंग से पूछता है कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे मिले थे। यंग ने कहा कि यहाँ पर मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहीं पर वो एक दूसरे से टकरा गए। एग्जाम देने के लिए यंग बहुत ही नर्वस थी तो चैंग ने उससे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पास हो जाओगी और हम दोनों फिर से यहीं पर मिलेंगे। चैंग स्टडीज में भी बहुत ही स्मार्ट था। जो सिक्योरिटी यंग को हमेशा से चाहिए थी ये चैंग आसानी से दे सकता है। जाओ ने रियलाइज किया कि उसका प्यार कितना सेल्फिश था। उसने कभी भी यंग को क्या चाहिए इसके बारे में सोचा नहीं था। वो उसे जरा दूर रहने की कोशिश करता है पर यह बात वो कर नहीं पाता। उसने अब डिसाइड किया था कि स्विमिंग में वो अपना करियर करेगा। यंग का एक दिन बर्थडे था तो उसे पूछता है कि आज तुमने क्या किया। यंग कहती कि मैं बहुत ही बीमार हूँ तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई। आज टाउन में जाकर मुझे फायरवर्क्स देखने थे पर वो भी मैं कर नहीं पाई। जाओ को फिर आइडिया आता है। वो फायरवर्क्स लेकर आया और हॉस्टल के टेरेस पर जाकर इस फायरवर्क को जला देता है। यंग की विश उसने कंप्लीट कर दी थी। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सारा हॉस्टल बाहर आ चुका था। इसी रोमांटिक सेटिंग में जो लड़के किसी से प्यार करते थे उसे वो कन्फेस कर देते हैं। एक दिन जाओ जब लाइब्रेरी में था तो चैन को किसी और लड़की के साथ देखता है। चैन उस लड़की के साथ मिलकर हॉलीडे प्लान कर रहा था। जाओ समझ गया कि उसके साथ उसका चक्कर है। चैन ने एक्चुअल में यंग को प्रॉमिस किया था कि अगर वो फुटबॉल का गेम जीतता है तो हॉलीडे पर उसके साथ चलेगा। अब इसके बाद हम इसी गेम को देखते हैं और इस गेम को चैन जानबूझकर हार रहा था। जाओ ने यह सब देखा और यंग को सारी चीजें बताने की कोशिश करता है पर यंग ये बात मानती नहीं। जाओ ने कोच से कहा कि आज गेम मुझे खेलने दीजिए। जब वो खेलने लग जाता है तो स्लोली स्लोली गोल करने लग गया था। गोल करने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए चैन उसके पास आया। जाओ चैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि यंग उसकी बात मान नहीं रही थी। उसने यंग को एक बार प्रॉमिस किया था कि कभी भी वो फाइट नहीं करेगा पर आज उसे लग रहा था कि चैन को उसे जोर से मारना चाहिए। वो अपना प्रॉमिस तोड़कर चैन को बहुत मारता है। अब गुस्सा होकर वो यंग की लाइफ से चला गया था। हम मूवी में देखते हैं कि और कुछ साल बीत गए। जाओ ने अपनी स्विमिंग कंटिन्यू की है। अगर उसे नेशनल टीम में आना है तो एक कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा।
आजकल उसके एक अमीर गर्लफ्रेंड भी है। उसके फ्रेंड उसे एडवाइस करते हैं कि इस लड़की से शादी कर लेना, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। एक दिन ऐसे ही जाव अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा था, तभी उसने यंग को देखा। उसका पीछा करता है तो उसे पता चला यंग एक मॉडल बन चुकी है। आज वो एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही थी। वो जाकर उसे मिला और यंग को भी उससे मिलकर अच्छा लगा था। जाव उसे पूछता है कि तुम मॉडलिंग क्यों कर रही हो। यंग ने कहा कि फैशन सीखने के लिए मुझे अलग कंट्री में जाना था, पर उसके फादर बीमार पड़ गए तो इस वजह से इसी कंट्री में उसे रहना पड़ा। उसने फिर मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी थी। जाव को भी उसका करियर अच्छा लगता है, पर वो चाहता था यंग जिस चीज में पैशनेट है यही चीज उसे करनी चाहिए, यानी कि फैशन डिजाइनिंग। बातों बातों में जाव को पता चला यंग एक अलग सिटी में एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए जाने वाली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और उसके साथ ही आता है। एक दिन यंग की शूटिंग अच्छी नहीं गई थी। जाव ने उसे घर पर ड्रॉप किया और यंग को उसके ओल्ड ड्राइंग्स दिखाए। यंग भी रियलाइज करती है कि अपने पैशन को उसने मिस किया है। आज जब वो और एक शूट के लिए जा रही थी तो उसे अपने डायरेक्टर का कॉल आता है। यंग की जगह पर उन्होंने और लड़की को चूज कर लिया था। इस बात से बेचारी बहुत ही अपसेट हो गई। जाव उसे चीयर अप करने के लिए सी के पास लाइट हाउस में लेकर आता है। यह इंटर होना मना था तो यंग डर रही थी। जाव ने कहा, हम ऑलरेडी जेल जाकर आए, हमें क्या डरना। सी के पास आकर ये डायरेक्टर को बहुत गालियां देते हैं। जाव की कंपनी में यंग का मूड भी बहुत ही अच्छा हो गया था। ये जब हाईस्कूल में थे तो अपने सारे मोमेंट्स याद करते हैं। ये याद करते हुए जाव यंग के करीब आ गया था। यंग को ये जरा गलत लगता है और यहाँ से वो चली गई। इसके बाद एक वीक बीत गया था और इन दोनों ने कुछ भी बात नहीं की। जाव यंग को कॉल कर बताता है कि मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखने के लिए आओ। कॉम्पिटिशन की रात आई, अचानक से बहुत ही ज़्यादा तूफान आने लग गया था। टीवी पर न्यूज़ आती है कि एक ब्रिज पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जो कॉम्पिटिशन देखने के लिए आ रहे थे। जाव को लगता है कि इन्हीं लोगों में यंग भी होगी। वो अब तक श्योर नहीं था। वो स्विमिंग पूल के पास तो आ गया, पर यंग का ख्याल उसके मन से जा नहीं रहा था। ये कॉम्पिटिशन वो ऐसे ही छोड़कर यंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यंग भी इस बारिश में उसी के पास आ रही थी। जाव ने कहा कि तुम्हारा नंबर लग नहीं रहा था, उसके लिए बहुत ही वरी कर रहा था। मैं तुम्हें इस तरीके से खो नहीं सकता। हम जब से मिले तब से बहुत बार जुदा हो गए, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर यंग भी उसे गले लगा लेती है। यंग ने कहा कि हमें कॉम्पिटिशन में वापस जाना चाहिए, देखते हैं कि क्या तुम्हें सेकंड चांस मिल पाता है। ये जा ही रहे थे तभी ऊपर से एक चीज यंग को लगने वाली थी, तो उसे बचाने के लिए जाव उसके सामने आ जाता है। इस वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, अब वो लंबे समय तक स्विमिंग नहीं कर पाएगा। ये बात यंग को जरा अपसेट कर रही थी, तो जाव ने उसे कहा, तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी, एक साथ ये रहने लग गए थे। यंग लेट नाइट काम करती तो जाव हमेशा उसे सपोर्ट करता। यंग खुश है तो वो भी बहुत ही खुश था। स्लोली स्लोली जाव का भी हैंड रिकवर होने लग गया था। एक दिन चलते चलते ये दोनों वेडिंग ड्रेस के शॉप तक आए। यंग ने इन दोनों के लिए रिंग बाय की थी जो जाव को दे देती है। उसने कहा कि मैं हमेशा हम दोनों के लिए रिंग बाय करना चाहती थी। जाव उसे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दिन मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊंगा। अब जाव को फिर से स्विमिंग करनी थी। इसके बारे में ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर उसे कहते हैं, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है, पर अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते। जाव को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। जो करियर वो बनाना चाहता था अब वो नहीं बना पाएगा। अलग अलग जगह पर जाकर वो जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ही खराब हो गई थी। यंग को जॉब था, वो यहाँ का रेंट वगैरह पे कर सकती है, पर जाव को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि उसे खुद अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। एक दिन यंग जाव को शॉपिंग मॉल लेकर गई। एक शर्ट उसे पहनने के लिए कहती है। जाव ने नोटिस किया कि जब ये हाईस्कूल में थे, यंग ने उसकी जो ड्राइंग बनाई थी यही डिजाइन इस शर्ट पर है। यंग की डिजाइन कंपनी को पसंद आई थी और इसे मास प्रोडक्शन में उन्होंने डाल दिया है। जाव यंग के लिए खुश था, पर इन दोनों के फ्यूचर को लेकर वो वरी करने लगता है। एक दिन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे। एक फ्रेंड शादी करने वाला था, तो यही बात वो यंग और जाव से भी पूछते हैं। इस बात को लेकर जाव अपसेट हो गया। वो यंग को बताता है कि मेरे पास ढंग की जॉब भी नहीं है, आजकल उसके साथ कुछ भी सही से हो नहीं रहा। वो इस कंडीशन में यंग से कैसे शादी कर सकता है। यंग ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चलो हम शादी कर लेते हैं। जाव को ये मजाक लगा और यहाँ से वो चला जाता है। आजकल यंग के फादर जरा बीमार थे तो उनकी डेथ हो जाती है। इनके सारे फ्रेंड इन्हें मिलने के लिए आए हुए थे। जब जाव फ्रेंड से बात कर रहा था तो कहता है कि अगर मैं मेरे हाईस्कूल में यंग से ना मिलता तो मेरी लाइफ क्या होती। वो उसे लाइफ में अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता,
तो इस वजह से उसे मिलना भी रिग्रेट कर रहा था। ये सारी बातें पीछे से यंग ने सुन ली। वो उस बार बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई। वो कहती है, मेरे फादर भी हमेशा दूसरों को ही दोष देते थे। हमने उनसे कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी मेरी मदर को बहुत मारते थे। यंग से मिलना झाओ ने रिग्रेट किया। इस बात से यंग बहुत ही ज्यादा हर्ट थी। झाओ ने अपनी गलती रियलाइज की, उसे माफी मांगी, फिर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस सब प्रॉमिस किया, पर फिर भी यंग अब मानने वालों में से नहीं थी। यंग झाओ को कहती है, कल इंटरव्यू पर जाना, अच्छे से ट्राई करना, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए। इसके बाद वो उसकी लाइफ से चली गई। वो झाओ को एक लेटर लिख कर गई थी। उसमें लिखा था कि मैं सारी चीजों को रिग्रेट करती हूँ। मुझे तुम्हें हाई स्कूल में अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। हमने जो टाइम वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए था। तुम मुझसे मिलना रिग्रेट करते हो, इस बात को मैं जाने नहीं दे सकती। अगर हम एक साथ रहे तो हमेशा एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे। ये बात वो नहीं चाहती थी। अब इसके बाद झाओ ने अपने खुद के लिए एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया। वो फिर से कॉलेज में वापस जाकर एक स्विमिंग टीचर बन जाता है। अब उसके पास अच्छा जॉब था, सब कुछ ठीक था, पर फिर भी यंग को हमेशा याद करता है। एक दिन उसे यंग से लेटर मिला और इस लेटर में यंग की शादी होने वाली है तो उसका इन्विटेशन था। वो उसे भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था तो अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है। सबने मिलकर एक बोट बुक की और इंश्योर किया कि झाओ यहाँ से भाग ना पाए। जब वेडिंग डे आता है तो झाओ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो यंग को अपनी लाइफ से इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। नदी से तैरते हुए वो जमीन तक आ गया। डायरेक्टली यंग की शादी पर वो पहुंच जाते हैं। यंग के साथ उसकी फ्रेंड्स थी, पर झाओ के फ्रेंड्स उन्हें बाहर लेकर जाते हैं। झाओ ने जब यंग को देखा तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यंग को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से यंग की खुशी छीनना नहीं चाहता था, उसे बहुत ही प्यार करता है और हमेशा खुशी देखना चाहता है। वो यंग को थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में आने के लिए, उसे सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स देने के लिए। यंग ने भी अब उसे माफ कर दिया था, वो भी उसे थैंक यू कहती है। जो टाइम इन्होंने एक साथ स्पेंड किया ये दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। झाओ यंग को अपनी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कर यहाँ से चला जाता है। उसे उसकी खुशी छीनना नहीं चाहता था और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी पता कर जाती है कि जिससे आप प्यार करते हो उनके हैप्पीनेस में ही आपका हैप्पीनेस होता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम वैसे मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।